दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि बॉलीवुड में अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट खूब हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं 26 जनवरी 2018 की, तो उसमें एक बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंटल फिल्म आ रही है जिसका नाम है पैडमैन। अक्षय कुमार की ये फिल्म है। वहीं अक्षय कुमार जिनके सबसे फेवरेट एक्टर है, मतलब उनके जो सबसे फेवरेट डायरेक्टर है नीरज पांडे, वो भी अपनी फिल्म ला रहे हैं अय्यारी। अय्यारी जो ये फिल्म आ रही है दोस्तों, ये भी 26 जनवरी 2018 को आ रही है। तो मतलब एक तरफ तो फेवरेट एक्टर है, एक तरफ फेवरेट डायरेक्टर, अब दोनों के बीच में हो रहा है क्लैश। तो अय्यारी का ट्रेलर हो चुका है रिलीज। मैं हूं राहुल भोज, बताऊंगा अय्यारी के बारे में क्या क्या सारी चीजें हैं खास एक्सक्लूसिवली। ओके, अच्छा दोस्तों, अय्यारी का ये जो ट्रेलर रिलीज हुआ है ना, ट्रेलर देख के सिर्फ एक वर्ड दिमाग में आया, इंट्रीगिंग, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग विद अ पेस। आप देखेंगे कि ट्रेलर किस तरीके से ग्रिपिंग है, ट्रेलर में सस्पेंस एलिमेंट भर भर के भरा है। आपने अवेंजर देखी है? अवेंजर नीरज पांडे की पहली फिल्म थी, उसमें भी जबरदस्त का सस्पेंस था, ग्रिपिंग थी फिल्म। फिर उसके बाद आती है बेबी, नाम शबाना, स्पेशल 26 जैसी अनोखी फिल्में। सो अय्यारी रिलीज हो रही है 26 को, ये तो मैंने बता दिया आपको। फिल्म के डायरेक्टर हैं नीरज पांडे। फिल्म की कास्ट की मैं बात करूं तो इसमें ब्रिलियंट परफॉर्मर दिखेंगे हमें, जैसे कि नसरुद्दीन शाह साहब, अनुपम खेर, इसमें हमें देखेंगे मनोज वाजपेयी, इसमें हमें कुमुद मिश्रा जी दिखेंगे और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी दिखेंगे। तो अब बात करते हैं कि ट्रेलर में क्या है खास। तो दोस्तों बात करते हैं फिल्म अय्यारी की स्टोरी लाइन की, जो मुझे थोड़ा बहुत ट्रेलर देख के समझ में आ गया। यहाँ पर मेजर जय बख्शी है जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा प्ले कर रहे हैं, और सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैरेक्टर जय सर्विलेंस के दौरान कुछ ऐसी बातें सुन लेता है जिसकी वजह से उसका आर्मी पर से विश्वास उठ जाता है और वो पैसे कमाने की राह पर निकल पड़ता है, जिसकी वजह से वो जुर्म की दुनिया में बढ़ता जा रहा है और आर्मी यानी कि देश के साथ गद्दारी कर रहा है। अब बात आती है कि भाई से रोकेगा कौन, तो अभय सिंह करके एक यहाँ पर हम फौजी को देखते हैं, एक किरदार को देखते हैं जो टेरिफिक एक्टर मनोज वाजपेयी परफॉर्म कर रहे हैं। मनोज वाजपेयी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं कि किसी तरीके से जय को रोका जाए। अब ये दोनों आइडियोलॉजीज का क्लैश होगा, मतलब जहां पर जय है एक तरफ और एक तरफ है अभय, किस तरीके से ये दोनों आइडियोलॉजीज आपस में क्लैश करेंगी, टकराएंगी, क्या इसका इम्पैक्ट निकलेगा, यही है कहानी अय्यारी की। मैंने तो बहुत ज्यादा सिंपल वे में बोल दिया दोस्तों, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न विद अ ग्रिप एंड अ थ्रिल होने वाली है। मैंने तो बहुत ज्यादा सिंपल वे में बोल दिया दोस्तों, लेकिन ये जो फिल्म है ये पूरी तरीके से ग्रिपिंग होने वाली है, थ्रिलिंग होने वाली है, और मतलब देखने में मजा आएगा यार, क्योंकि ट्रेलर इतना जबरदस्त है। दोस्तों अगर मैं बात करूं नीरज पांडे के डायरेक्शन की, तो वो तो सूरज को जैसे दिया दिखाने के बराबर हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक से एक बेहतरीन शानदार थ्रिलर फिल्में निकाली हैं। पास में आप हिस्ट्री चेक कर लीजिए तो अवेंजर देख लीजिए आप नाम शबाना देख लीजिए, आप बेबी देख लीजिए, और काफ़ी सारी उनकी जो फिल्म्स हैं वो इंटरेस्टिंग होती है। स्पेशल 26 देख लीजिए, आपको है ना कहीं घुसबम्स निकलते हैं फिल्म देखते वक्त, आपको लगता है कि अब ये होगा, लेकिन तुरंत प्लॉट चेंज हो जाता है विद अ ट्विस्ट और आप सोचते हैं ओ माय गॉड ये क्या हो गया। तो इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर तो यही लगता है कि नीरज पांडे वही चीजें हमें प्रॉमिस करेंगे, एंड मुझे उम्मीद है कि नीरज पांडे ने अपना काम बेहतर तरीके से किया होगा। बस एक थोड़ी सी बात की जो मुझे चिंता लग रही है कि फिल्म इस बार बिजनेस कैसा करेगी। बिजनेस इसलिए पॉइंट ऑफ व्यू लाया दोस्तों, क्योंकि इसी दिन यानी कि 26 तारीख को ही सेम पैडमैन आ रही है। अब वो भी अच्छी फिल्म लग रही है ट्रेलर वाइज, ये भी अच्छी फिल्म लग रही है, पब्लिक को है ना कंफ्यूजन हो जाएगा, तो कहीं रईस और काबिल की तरह ये क्लैश ना हो जाए, जहां पे ऑडियंस थोड़ा सा कंफ्यूज थी। और बिजनेस दोनों फिल्मों ने ठीक ठाक किया था, अच्छा किया था, बट बहुत अच्छा नहीं किया था अकॉर्डिंग टू द फिल्म। तो यहां पर देखना इंटरेस्टिंग होगा, और ये 2018 का सबसे पहला बिग क्लैश होने वाला है दोस्तों। आप तैयार हैं कि नहीं? आपको ट्रेलर कैसा लगा? आपको भी क्या इतना ही इंटरेस्टिंग, इतना ही ग्रिपिंग, इतना ही थ्रिलिंग लगा कि नहीं लगा? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं यार, क्योंकि आपके सिर्फ आपके कमेंट्स के लिए मैं इस तरीके के वीडियोस बनाता हूं, क्योंकि आप और मैं एक फैमिली का हिस्सा है यार, यूट्यूब की फैमिली है हम, और मैं हूं आपका सबसे छोटा नॉटी मेंबर फैमिली का। तो नीचे कमेंट सेक्शन आपका सेक्शन है, इस्तेमाल कीजिए। और फॉर मोर फिल्मी अपडेट्स वॉच चैनल फिल्मी यार बॉस, यो यो मैन यो।